हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्वरों का प्रयोग तथा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार के अंतर्गत क्या आता है, अनुनासिक के अंतर्गत क्या आता है और विसर्ग के अंतर्गत क्या आता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, तो मुख्य रूप से स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो है मूल रूप में और दूसरा है मात्रा के रूप में। तो साथियों, कई बार स्वर शब्दों में मूल रूप में प्रयोग होते हैं, कई बार जो हम स्वर हैं वो मूल रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अनार, आम, इमली, ईख, ऐनक आदि। उसके बाद में स्वर मात्रा के रूप में भी प्रयोग होते हैं। स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं तो उसमें व्यंजनों का संयोग होता है। साथियों, उसमें हमें याद रखना है कि जब मात्रा के रूप में स्वर प्रयोग होते हैं तो उसमें व्यंजनों का भी संयोग होता है, व्यंजनों का योग होता है या व्यंजनों का मेल होता है। जब स्वरों का व्यंजनों के साथ संयोग होता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। अब जब उसका स्वरूप बदल जाता है तो उसका जो ये बदला हुआ स्वरूप है, स्वरों का जो बदला हुआ स्वरूप है वो साथियों मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला स्वरूप क्या कहलाता है, तो स्वरों का बदला हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला हुआ स्वरूप क्या कहलाता है, तो हमें बताना है स्वरों का बदला हुआ स्वरूप मात्रा कहलाता है। उसके बाद में अयोगवाह। अयोगवाह साथियों, हिंदी वर्णमाला में ऐसे भी वर्ण प्रयोग होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ऐसे भी शब्द प्रयोग होते हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो उसमें हमें बताना है हिंदी वर्णमाला में तीन साथियों तीन ऐसे वर्ण भी प्रयोग होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं साथियों। एक तो अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। सबसे पहले इसमें आता है साथियों अनुस्वार। अनुस्वार जो अम सबसे पहले आता है अनुस्वार, उसके बाद में अनुनासिक। अनुनासिक जैसे चांद, उदाहरण जैसे चांद, चांद के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो अनुनासिक कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साथियों विसर्ग। विसर्ग जैसे हम अथा लिखते हैं, नमः लिखते हैं, तो उसमें जो पीछे दो बिंदु होते हैं साथियों उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार से होता है, तो हमें ध्यान रखना है साथियों। और उसके बाद में अनुनासिक का उच्चारण किस तरह से होता है और अनुस्वार का उच्चारण किस तरह से होता है। अनुस्वार का उच्चारण अम, अनुनासिक का जैसे चांद और विसर्ग का जैसे नमः अथा आदि। तो सबसे पहले आता है अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसमें हमें बताना है कि अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। अगर हमारे प्रश्न बने कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमें बताना है नासिका से। उसके बाद में अनुनासिक का जो उच्चारण है, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। दूसरा है साथियों अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, अर्थात नाक और मुख दोनों से होता है, तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, मुख और नासिका दोनों से होता है। उसके बाद में आता है विसर्ग। उसके बाद आता है साथियों विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण है वो हा के समान होता है, जैसे